हेलो क्या हेलो हेलो कंट्रोल रूम बाहर साइकिल खड़ी करो अंदर आओ नहीं है अरे समझ में नहीं आ रहा क्या बोला ना बाहर खड़ी करो अंदर आओ नहीं है किसे मिलना है ये घटना कुछ घंटों की खौफनाक दास्तान थी एक एक पल एक्सट्रीम प्रेशर से भरा हुआ था वो बॉम्ब्स मुंबई के एक हाउसिंग सोसाइटी में प्लांट किए गए थे और बॉम्ब प्लांट करने वाला खुद सुसाइड बॉम्बर बनकर उस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद था वो खुद को मिटा देना चाहता था पर कई मासूम जिंदगियों के साथ सर ऐसी वारदातों के पीछे तो टेररिस्ट होते हैं तो क्या वो टेररिस्ट था वो टेरर फैलाने ही आया था और उसका मकसद बहुत डरावना था जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त हमें इसका एहसास नहीं था उस वक्त मैं और मेरी टीम इंदौर के एक और चौंका देने वाले केस में उलझे हुए थे पर यह सब सिर्फ मुंबई और इंदौर तक सीमित नहीं रहने वाला था एक और शहर में तहलका होने वाला था दरअसल इस वारदात ने तीन स्टेट्स की पुलिस को हिलाकर रख दिया था महाराष्ट्र गुजरात और एमपी प्रतीक्षा मैंने तुझे कल ही बोला था कि अपना पासपोर्ट संभाल के रख ले अब 3 घंटे बाद की तेरी फ्लाइट है और तू पासपोर्ट ढूंढ रही है पापा कल मैंने इसी बैग में रखा था आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा मजाक हो या सीरियसली आप तो चाहते ही नहीं ना कि मैं सिंगापुर जाऊं और ये जॉब करूं तू भी ना प्रतीक्षा कुछ भी बोलती है देख इसमें ठीक से मिल गया सॉरी पापा देखो तुम्हारा अब्रॉड जाके जॉब करने का सपना है तो कुछ महीने कर लो लेकिन फिर इंडिया वापस आ जाना क्योंकि अपना देश अपना ही होता है बेटा ठीक है पापा ये लीजिए प्रतीक्षा मुझसे मिले बिना ही जा रही थी तू जैसे तूने बताया था कि तू मुझसे मिलने आने वाली है अच्छा जी मेरी कजन हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही है और मैं उसे सीएफ को भी नहीं आऊंगी नमस्ते चाचा जी संजना मुझे लेट हो रहा है मुझे निकलना होगा यार मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी थी एक काम करते हैं मैं तुझे सी ऑफ करने चल लेती हूँ कैब में बातें हो जाएंगी हाँ, है ना अरे तू क्या करेगी एयरपोर्ट जाके अभी आने में लेट हो गया तो तेरी माँ मुझे फोन करके परेशान कर देगी चाचा जी मैं उन्हें बोल के आई हूँ चले कोई बात नहीं पापा वैसे भी आज मॉर्निंग से आपका बीपी लो है आप घर पे रेस्ट करिए और संजना है ना मुझे एयरपोर्ट तक कंपनी दे देगी हमने एक ही इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लेकिन जॉब के लिए तुझे सेलेक्ट किया यू आर सो लकी यार हाँ हाँ तेरा सिंगापुर जाने का सपना जो तोड़ दी जल्दी से तो हो रही होगी ना हाँ मन तो कर रहा है कि तुझे नोच खाऊं वैसे मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना मैं ना इंडिया में रह के पैसे कमा लूंगी जरूर पर संजना पापा यहाँ अकेले हो जाएंगे और ताई जी को पसंद नहीं तेरा हमसे मिलना पर मेरी एब्सेंस में उनसे मिलती रहना तू टेंशन मत ले चाचा जी का ख्याल मैं रखूंगी सर सर हमारी एक क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव ने सिंगापुर का पैकेज बुक किया था सुबह 6 बजे हमारे ड्राइवर ने उसे जीकेपुरम से पिक किया था पर वो दोनों वहाँ एयरपोर्ट तक पहुंचे नहीं और ऊपर से उन दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है क्या पर अब तो 9 बज चुके हैं सर प्रतीक्षा के फादर बार बार फोन पर चिल्ला रहे हैं ऊपर से कैब का जीपीएस भी एक्टिव नहीं है व्हाट जीपीएस कैसे बंद हो सकता है लास्ट लोकेशन क्या थी एनपीएस मार्क पर सुबह 6:20 सर उसके फादर ने यह भी बताया था कि उस कैब में प्रतीक्षा की कजन भी थी जो उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने गई थी चलेंद्र
सच सच बताओ, मेरी बेटी संजना कहाँ है? आपको क्या लग रहा है भाभी, इससे पहले मैं झूठ बोल रहा था? संजना खुद यहाँ अचानक से आई और प्रतीक्षा को अपने साथ लेके चली गई। साथ लेके चली गई मतलब? एयरपोर्ट ही ड्रॉप करी गई थी ना वो? गई तो एयरपोर्ट ही थी, लेकिन आपको और आपकी बेटी क्या भरोसा? हो सकता है मेरी बेटी की फ्लाइट मिस करने का प्लान हो आपका? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, कम से कम अपने झगड़े में मेरी बेटी को तुम्हें खींचो। फिर तो मेरी बेटी रही है, उसने क्या क्या सपने सजोए थे, पता नहीं किस मुसीबत में होगी। प्रतीक्षा, संजना, कोई है? हेल्प, छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो। प्लीज हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो, छोड़ो ना, हेल्प। ए, चिल्लाना बंद कर, समझी? देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे माँ बाप तुम्हें फिरौती दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि मेरी माँ और इसका बाप, हम दोनों से नफरत करते हैं। हम मर भी जाएंगे ना, तब भी एक कौड़ी नहीं देंगे वो तुम्हें। अच्छा? देखो, हम लोग तुम पर एक फेवर कर सकते हैं। फेवर? मौत सर पे खड़ी है और तू उसको मेरा रेप करने का न्योता दे रही है। प्रतीक्षा, मैं बस इतना चाहती थी कि वो हमारे हाथ खोल दे और मैं वो डंडा उठा लूं। तो कोई हीरोइन है हा? जो इस डंडे से उस गुंडे को मार देगी? तेरी वजह से ना मैं हमेशा सफर करती हूँ। यार, मेरे इंटेंशन तो अच्छे थे ना। मैं सब समझती हूँ, पापा सही कहते थे, तू और तेरी मम्मी एक जैसे। क्या इसमें मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? तू जानती है ना इन क्रिमिनल्स को, ये तेरा तेरी मम्मी का प्लान है ना? हाँ, क्या हो गया तुझे, जो मन में आ रहा बोलती जा रही है? तेरे साथ मैं भी तो किडनैप हूँ ना। इन्होंने तुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे ये बुरी तरीके से पीटा। यार प्लीज बस कर तू। मैं सब समझती हूँ, तुझे सिंगापुर जाने का मौका नहीं मिला इसलिए तू मुझसे जल्दी से निकाल रही है, और तेरी मॉम फिरौती के चक्कर में मेरे पापा से प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। सर, मैंने कैब ड्राइवर के घर पर भी पियोन को भेजा था, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। वो एनपीएस रोड पर भी भेज किसी को, जहाँ जीपीएस बंद हुआ था। यस सर, भेज। हेलो, अब तक तो भूचाल आ चुका होगा तुम्हारी कंपनी में। कौन? मैंने चेक किया, तूने प्रतीक्षा को सिंगापुर का पैकेज बहुत महंगा दिया यार। तुम्हारी कंपनी बहुत लूटती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही तुम लोगों को लूट लेता हूँ। पर कौन बोल रहा है तुम? तेरी क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव को किडनैप किया मैंने। किडनैप? और उसकी बहन संजना को भी। 3 सेकंड का वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ तुझे, चेक कर ले एक बार। इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए। लेकिन अरे बीच में मत काट यार, देख पैसे तुझे थोड़ी ना देने, तेरी कंपनी को देने हैं। 30 बिलियन का वैल्यूएशन है तुम्हारी मदर कंपनी का, मैंने चेक किया अभी। तुम फ्रेंचाइजी हो इसलिए तुमसे सिर्फ 3 करोड़ मांग रहा हूँ। चल बोल अपने ओनर को। लेकिन आप हेलो, आ गए मुंबई पुलिस के जवान फील्ड पे, अब आएगा बैटिंग करने का मजा। पीछे टिफिन में बॉम्ब उड़ा दूंगा, उड़ जाएगा गार्ड पीछे पीछे पीछे। ठीक है जा रहे हैं पीछे जा, रिलैक्स। क्या चाहते हो तुम? तबाही। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय करो। राउंड शुगर लेके आओ सर। डीसी को भी इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि ये चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। जांच करो आगे पीछे। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हारी मांग जो भी है हम सुनने के लिए तैयार हैं। धर्मेश देसाई। धर्मेश देसाई? हाँ, तुमसे नहीं धर्मेश देसाई से बात करनी है मुझे। जाओ जाओ, धर्मेश देसाई को लेके आओ, वरना बिल्डिंग ही नहीं पूरा मुंबई शहर बम के धमाकों में झुलस जाएगा। What the hell are you talking about? वो 3 करोड़ मांग रहा है सर। उसने प्रतीक्षा और उसकी कजन का वीडियो बनाकर भी भेजा है। They are really kidnapped। और कैब ड्राइवर सर, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बट ही इज मिसिंग टू। आई थिंक हमें पुलिस को no, अभी पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। ट्राई टू नो वेदर कैब ड्राइवर इज, if he is involved sir, it is a matter of police investigation। dimag kharab hai kya tumhara? pehle police involve hogi fir media,
हमारी कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन विल बी एट स्टेक। लेकिन सर, किडनैपर्स के साथ सेटलमेंट करो और प्रतीक्षा की फैमिली को कॉन्फिडेंस मिलो। सर, सर प्रतीक्षा के फादर पुलिस लेकर आओ। What? सर, मैं अविनाश शर्मा, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। हाउ मे आई हेल्प सर? इनको हेल्प की जरूरत है, उनकी हेल्प तो आप कर नहीं रहे। इनकी बेटी ने आपकी कंपनी की कैब बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए। आज सुबह वो उस कैब में अपनी कजन के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट पहुंची नहीं। वो बार बार आपसे फोन करके पूछ रहे हैं कि वो एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंची, कहाँ है वो? और बोल्ड गर्ल, क्या हुआ तेरे फेवर का? और तू तू राजी है ना? हाँ बोल, राजी है ना? नहीं नहीं भैया। भैया बोल करना, मूड मत खराब कर, समझी? इस वजह से जाने दो। ये तो बिल्कुल तेरे से उल्टी है यार। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरे साथ ये सब, मुझे माफ कर दे। देख देख, तू मुझे जैसे समझ रही है मैं वैसी हूं नहीं, गलती हो गई मुझसे। यहाँ से 500 मीटर के रेडियस पे कोई से विलन नजर नहीं आना चाहिए और मीडिया वाले को बिल्कुल दूर रखना है। सर, उस तक पहुँचने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, हाथ में उसके रिमोट है, पास गए तो उड़ा देगा। सही कह रहे हो बाबू, इस आदमी का कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही इसने कोई शर्त रखी और न जाने किसी धर्मेश देसाई को बुलाने की बात कर रहा। सर, धर्मेश देसाई तो डीएस डेवलपर्स का मालिक है और ये जो बिल्डिंग है वो डीएस डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्ट की है। व्हाट? मतलब ये आदमी इसी बिल्डिंग के बिल्डर को बुला रहा है और उसने इसी बिल्डिंग को टारगेट किया? देख लिया ट्रेलर, ये तो छोटा सा धमाका था, मैंने इस बिल्डिंग के चारों तरफ बॉम्ब फिट किया हुआ है। बुलाते हो धर्मेश देसाई को या करूं दूसरा धमाका? रुको रुको, बुलाते बुलाते। देखो, हम धर्मेश देसाई को बुला रहे हैं, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है? सिर्फ धर्मेश देसाई, समझ नहीं आता? इस सर पे कफन बांध के आया है, कंट्रोल करना आसान नहीं लग रहा है। सर, इसने वाकई में चारों तरफ बॉम्ब फिट किए हैं क्या? आस पास की बिल्डिंग को खाली कराओ, बैकअप फोर्स मंगाओ। गुड सर, कहीं टेररिस्ट तो नहीं? लेकिन वागले, अगर ये टेररिस्ट है तो इस बिल्डिंग के बिल्डर को क्यों बुलाने की मांग कर रहा है? सर, हो सकता है धर्मेश से इसकी कोई दुश्मनी हो और अगर हम धर्मेश को बुलाए तो वो इसे आइडेंटिफाई कर ले। राइट, हमें किसी भी तरह इस आदमी की आइडेंटिटी मालूम करनी है। ये अकेला इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकता, जरूर उसके हाथ कोई बड़ा नेटवर्क जुड़ा है। आप लोग बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए किडनैपर्स के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं? सर, हम सिर्फ गोयल सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। गोयल सर जानते हैं क्या किडनैपर्स को? हाँ सर। तो फिर वो रैंसम देने के लिए रेडी कैसे हो? सर, गोयल सर नहीं चाहते कि किसी भी कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो, और अगर किडनैपर्स को पता चलेगा कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो वो लड़कियों को मार देंगे। तो फिरौती लेने के बाद वो लड़कियों को जिंदा छोड़ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था वो नंबर दीजिए। अजीब सा नंबर है कुछ, शायद वेव कॉल है। कैब का GPS कहाँ बंद हुआ था? सर, MPS मार्ग पर। किडनैपर्स ने कंपनी से फिरौती मांगी है, आपको डाउट है किसी पे जो आपकी बेटी को किडनैप करवा दे? नहीं सर, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। सर, ओ इंस्पेक्टर, इतनी मेहनत मत करवा। मैं बता देता हूं, मैंने ब्लास्ट में RDX इस्तेमाल किया है, और हाँ, बॉम्ब स्क्वाड को भी वापस भेज दे। जब मेरे छिपाए बॉम्ब ढूंढ ही नहीं पाओगे तो डिटेक्ट क्या करोगे? जितना कहा उतना कर, धर्मेश देसाई को बुला, वरना करूं दूसरा धमाका, उड़ाऊं उसे। नहीं नहीं, रुको रुको, हम बुला रहे हैं उसको, लेकिन एक बात बताओ, जो बात तुम धर्मेश को बताना चाहते हो वो हमें भी तो बता सकते हो। तू बता सकता है? रात तूने अपने बेडरूम में अपनी बीवी के साथ क्या किया था? हाँ, सवाल जवाब बंद कर, उसे बुला। पीछे बम से उड़ा दूंगा, हट हट, उड़ाऊ। धर्मेश देसाई से मिलना है। क्या बात है इंस्पेक्टर? ये देखिए, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसको। ध्यान से देखिए, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो आपकी। मेरे जहन में नहीं आ रहा ये कौन। तो फिर खुद ही चल के मिल लीजिए इसे। अरे क्या बोल रहे हैं आप,
कि मैं वहां जाके अपनी जान जोखिम में डाल दूं? शायद को मेरा नाम बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किसका आदमी हो सकता है ये? तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया और अब अचानक इंडिया से बाहर जा रहे हो? बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूं। थाईलैंड जा रहे हो? वहां कौन सा बिजनेस है तुम्हारा और मुझे साथ क्यों नहीं ले चल रहे? तुम हमेशा इतनी किटकिट क्यों करती रहती हो? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम। प्रतीक्षा और संजना इसी कैब से एयरपोर्ट जा रही थी। गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया होगा। दोनों लड़कियां जीकेपुरम से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। हालांकि रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन लोग ट्रैफिक से बचने के लिए पीक आवर्स में रूट लेते हैं। जबकि वो दोनों लड़कियां अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट के लिए निकली, फिर ये रूट क्यों लिया? हो सकता है सर इस रूट को लेना भी प्लानिंग का हिस्सा हो। किसके प्लान? उन दोनों लड़कियों की? क्या उन्होंने इस रूट पर आने के लिए कहा? या ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करो। वो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से किसी दूसरे विकल्प में लेकर गया हूँ। पूरा आसपास का एरिया छान मारो। शर्मा, किसी भी तरह से जल्द हमें इन किडनैपर्स तक पहुँचना। ओके सर। सर, धर्मेश तो उस आदमी को पहचानने से मना कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो आदमी मोमिन कुरैशी का आदमी हो सकता है। मोमिन कुरैशी कौन? सर, एक दूसरा बिल्डर है, धर्मेश का बिजनेस राइवल। लेकिन सवाल यह है कि अगर बॉम्बर को दुश्मनी निकालनी थी तो उसे धर्मेश की बिल्डिंग में जाना चाहिए था। वो यहाँ क्यों आया? सर, क्रिमिनल डेटा में भी इस आदमी के फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा। लेकिन फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि बॉम्ब में RDX इस्तेमाल हुआ है, और इसका इस्तेमाल कोई छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता। देखो, ये मोमिन कुरैशी की चीज क्या है। ओके सर। सर, धर्मेश यहाँ आने से मना कर रहा है, और सर हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते। सर, इंस्पेक्टर, तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो, धर्मेश देसाई मुंबई में नहीं है अभी। ए, टोपी किसी और को पहनाना, मुझे पता है मुंबई में ही है। अगर अगले 20 मिनट में नहीं आया ना तो अगला धमाका हो जाएगा, यहाँ उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, बोल्ड गर्ल, सचमुच तूने मेरे दिल को ना घायल कर दिया यार। सच बोलना, तू जल गई थी ना जब मैंने उसको मुंह लगाया? चल अब ऐसा करते ना, इसको जलाते हैं। हाँ, अब तेरी बारी। फाना, बहुत ही सब करने से मना किया है, चल। अब तो तुझे मुझ पे यकीन आया, वो मेरे साथ भी रेप करने से बाज नहीं आया। मुझे ना यकीन दिलाने का ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती है। देखा मैंने वो नजरों नजरों में क्या चल रहा था। और ये बॉस कौन है? अच्छा, ये बॉस तेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलके तूने ये सब किया? वो आपका भाई है ना, जिसने किडनैपिंग की है आपके कहने पे। शैलेंद्रा, अब अगर मेरे और मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। और आता भी क्या है तुम लोगों को? लेकिन मेरी बेटी खरोज भी आई ना तो... मेरी बेटी भी किडनैप हुई है और फिरौती उन्होंने ट्रैवल कंपनी से मांगी है। यही तो प्लान था आपका, ताकि शक आप पर ना जाए। बस शैलेंद्रा, किडनैपिंग मैंने नहीं तुमने करवाई है ताकि तुम मुझे फंसा सको। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं खुद आपको इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि हमारी कंपनी का एक और ड्राइवर और एक और कस्टमर दोनों गायब है। लेकिन आपके मैनेजर ने तो हमें कुछ नहीं बताया सर। ये रिपोर्ट हमें हमारे गुजरात के नवसारी ब्रांच से मिली थी। तो आज नवसारी में भी एक किडनैपिंग हुई? शायद, लेकिन सर हमें जो रैनसम का कॉल आया था वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर की किडनैपिंग को लेकर था। नवसारी में किसकी किडनैपिंग हुई? आई मीन नाम क्या है? परेश लोधिया, वो भी आज सुबह थाईलैंड जाने वाला था। अंदर क्यों बैठे हो? ये सामान कौन रखेगा? किसकी खोल दी है? बड़ा बदतमीज है, अभी तेरी कंपनी को कॉल लगाता हूँ मैं। ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे। अरे, अब ड्राइवर चेंज करने का टाइम है क्या? फ्लाइट मिस हो गई तो? तुम देख रहे हो कैसे बात कर रहा है? कोई बात नहीं भैया, सामान में रख देता हूँ। ए भैया होगा तेरा बाप। कॉल मी सर, रिश्तेदारी निकाल रहा है तू? प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है इनमें। अरे क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? अंदर मुझसे झगड़ रहे थे, बाहर इस ड्राइवर से झगड़ रहे हो, क्या हो गया? तुम ना चुप ही रहो,
रफ्तारी पुलिस ने कंफर्म किया है परेश लोधिया के गायब होने के बाद उसकी बीवी पारुल को फिरौती का कॉल भी आया। फिरौती का कॉल परेश की बीवी को आया? जी सर, और इस कॉल के आने के बाद पारुल ने नवसारी थाने में कंप्लेंट भी फाइल की। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, एमपी पुलिस इंदौर से। मुझे आपसे परेश लोधिया किडनैपिंग केस के बारे में बात करनी है। मैं भी आपको फोन करने ही वाला था, मुझे पता चला इंदौर में भी इसी ट्रैवल कंपनी के कस्टमर की किडनैपिंग हुई। हमारे यहाँ फिरौती का कॉल ट्रैवल कंपनी को किया गया और हमें पता चला कि आपके यहाँ फिरौती का कॉल परेश की वाइफ को है। जी हाँ, वो एक इंटरनेट कॉल था जो कई वॉलवेयर रूट जंप करके किया गया, हम लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। हमारे यहाँ भी ऐसे ही कॉल आया और हमारे यहाँ ट्रैवल कंपनी के मालिक से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। परेश की वाइफ से 1 करोड़ मांगा गया और हमें कुछ देर पहले ही वो कैब मिली जिसमें परेश अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। परेश के साथ कैब का ड्राइवर भी गायब था। लेकिन हमारे यहाँ ड्राइवर का कत्ल हुआ। हमें लग रहा है कि नवसारी का कैब ड्राइवर इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। नाम क्या ड्राइवर का? सुनील यादव। हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें किडनैपर्स के अगले कॉल का इंतजार है। सर, मोमिन कुरैशी तो 2 दिन पहले ही आउट ऑफ इंडिया चला गया था, अभी दुबई में है सर। नहीं ऐसा तो नहीं, मोमिन पर्पसली देश से बाहर चला गया। पीछे हटो, जगह खाली कर लो, पीछे हटो, बम हो सकता है, हटो। 1, 2, 3 निकल गया सबका सुसु, इसमें बम नहीं था। अगली बार पूछूंगा नहीं धर्मेश देसाई कहाँ है, उड़ा दूंगा सब कुछ। दिखाओ। देखो धर्मेश आने से मना कर रहा है लेकिन हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे तो उठा के लेके आना उस कमीने को। इंदौर और नवसारी, इन दोनों जगह के किडनैपिंग की मॉडल्स ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट सेम है। ये काम एक आदमी का या एक ग्रुप का हो सकता है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग। दोनों किडनैपिंग के विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन? फिलहाल ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। अगर ये दोनों किडनैपिंग एक ही आदमी एक ही ग्रोह ने की है तो एक बात गौर करने लायक, मॉडस ऑपरेंडी में फर्क। हमारे यहाँ कैब ड्राइवर का कर साला कैसा पनौती है बे तू, खुद तो किडनैप हुआ ही साथ में मुझे भी टंगवा दिया। अबे चुप कर तू। तू चुप हो जा साले। उधर भैया बोल रहा था तो मिर्ची लग रही थी, अब भाई लोगों को दिखा अपनी हकड़ी। क्या चल क्या रहा है इधर, उधार खाया है तूने इसका? ये सब मेरी बीवी की करतूत है। तो मैं टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम। तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं अपने घर से नहीं निकलने वाला। लेकिन ये पागल है कौन जो मेरे नाम पे पूरे शहर को उड़ाने पे तुला है? रमेश देसाई आ रहा है? माना तो है सर, लेकिन घर से अभी भी बाहर नहीं निकला है। एक इन्फॉर्मेशन मिली, जो विस्फोटक आज के बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए थे वही सेम विस्फोटक एटीएस की एक रेड में उल्लासनगर में मिले थे और वो जगह परवेज अंसारी की थी। अंसारी इस वक्त जेल में है, हो सकता है शायद अंसारी हमें इस आदमी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, पर तुम उन लड़कियों को कुछ नहीं करोगे? पहले पैसे लेके खंडवा रोड पे पहुँच और ध्यान रहे पुलिस तेरे आसपास नहीं होनी चाहिए। हाँ पहुँचता हूँ। लेके आ गया? हाँ लाया हूँ। कोई हथियार तो नहीं तेरे पास? अरे नहीं कोई हथियार नहीं है। चल पैंट शर्ट उतार अपनी। अरे पर कपड़े क्यों उतारूं? उतारता है या नहीं उतारता देख, मेरी नजरों के सामने अभी चला दूंगा गोली। अरे नहीं नहीं तुम गोली पर चलाना।
अभी सीधे चले यहाँ से। देख तेरे लेफ्ट में एक गली है, हाँ उस गली में मुड़ जा, छोटी सी गली है ना, हाँ मुड़ जा, अभी सीधा चल और सीधा चल। कुछ कह रहा है परवेज, पता है कौन है? साहब इसको नहीं जानता मैं। देख परवेज, तेरी बीवी और तेरे बेटे को अरेस्ट करके उनके ऊपर टाड़ा लगा सकते हैं हम लोग। अरे साहब ये क्या बात हुई? पूरा शहर जलाने की बात कर रहा है वो। देख उसने अगर ऐसा कुछ किया ना तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी। साहब ज़्यादा तो नहीं जानता मैं, पर बहुत साल पहले ये कहीं से तड़ी पार होकर मुंबई आया था। मेरे छोकरे को कल्याण प्लेटफॉर्म पर मिला था, इसको काम की ज़रूरत थी तो मेरे छोकरे ने तस्कर से मिलाया था इसे। कौन तस्कर? साहब ये तो मेरे छोकरे को मालूम था, पर उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन साहब ये 2 महीना पहले वापस मुझसे मिला था। इसको बम बनाना सीखना था साहब, मैं सोचा मेरे लिए काम करेगा, पर साहब मैं तो खुद ही अरेस्ट हो गया। नाम क्या है इसका? हम लोग इसको सत्तू बोलते थे। इस सत्तू का मोमिन कुरैशी और धर्मेश देसाई से क्या कनेक्शन है? साहब ये सब के बारे में तो मुझे नहीं पता। एक मौका था हमारे पास किडनैपर तक पहुंचने का, उससे भी चूक गया। नवसारी में क्या स्टेटस है? क्या परेश की वाइफ को किडनैपर ने फिर से कांटेक्ट किया? नहीं सर। नवसारी पुलिस को नवसारी वाले कैब ड्राइवर सुनील के अगेंस्ट भी कुछ नहीं मिला। सर इस ट्रैवल कंपनी के इंदौर ब्रांच का एक एम्प्लॉय सस्पिशियस लग रहा है। कौन है वो एम्प्लॉय? सर ये विशाल रहेगा, वीजा रिलेटेड काम देखता है और किडनैपिंग के एक दिन पहले से गायब है। सर इसका फोन भी बंद है। सुनो धर्मेश देसाई रास्ते में ही है, यहीं आ रहा है। अबे कब से यही बोले जा रहा है तू? बस थोड़ा और सब्र कर लो सत्तो। कौन सत्तू है? हाँ देखो हम परवेज अंसारी से मिल चुके हैं, हम तुम्हें निकलने का सेफ पैसेज भी दे देंगे। तेरे को बोला धर्मेश देसाई चाहिए और तू कहानी पे कहानी बनाया जा रहा है। अब देख तू। चेक करो अंदर। ये तो विशाल है सर। जो लातूर में रहती है। सर, विशाल रहे जाके घर से इन्होंने परसों रात को एक आदमी को जाते हुए देखा। कौन था वो आदमी? सर उसके बारे में जानता तो नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ आता जाता रहता है। उसका चेहरा याद है आपको? स्केच बनवा सकते हैं? सर कोशिश कर सकता हूँ। स्केच बनाओ इनसे। ओके सर। प्रतीक्षा और संजना को किडनैपर्स ने छोड़ दिया। छोड़ दिए? जी हाँ सर, और वो दोनों अपने घर भी पहुँच गए। आप लोगों को कहां लेकर गए थे? सर हमें नहीं पता, हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। कितने लोग थे? सर वो 3 थे। अच्छा, आंखों पे पट्टी बांधने से पहले आप लोगों ने उनको देखा तो होगा, चेहरे याद है उनके? सर इन दोनों की हालत तो देखिए, दोनों बहुत डरी हुई है। प्लीज सर और कोई सवाल मत पूछिए। किडनैपर्स ने उन दोनों लड़कियों को ऐसे ही छोड़ दिया।
इतनी आसानी से? ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। आप कह रहे क्या चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हें हम विक्टिम समझ रहे हैं वो खुद भी इस किडनैपिंग में शामिल? हम किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। शर्मा, पूरी फैमिली के बारे में ठीक से पता करो। ओके सर। प्रतीक्षा, अब तो चाहे जो भी बोले मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तू सिंगापुर नहीं जाएगी बेटा। वैसे अब मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना, मैं ना इंडिया में रह के ही पैसे कमा लूंगी। हेलो, ठीक है। ये उस आदमी का स्केच है सर, जो विशाल के घर पे देखा गया था। विशाल के सीडीआर में हमें किसी आलोक पारे का नंबर भी मिला है। ये उसका फोटो है। आलोक और ये स्केच वाला आदमी, ये दोनों सेम लग रहे हैं। रहता कहाँ है? दाहोद के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है आलोक का नंबर। सर, परेश की बीबी को किडनैपर्स का कॉल गया है। किडनैपर्स ने उसे अंकलेश्वर बुलाया है। चलो उस बाइक का पीछा करो। लो आ गया तुम्हारा धर्मेश देसाई। अब बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? इसे मेरे पास भेजो, वो भी बिल्कुल अकेले। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे सिर्फ धर्मेश चाहिए, अभी यहाँ मेरे पास बिल्कुल अकेले। अगर मेरे पास नहीं आए ना तो तैयार हो जाओ, सारे शहर को आग लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। आलोक का घर यही है जी। कहाँ गया, कुछ आइडिया? मालूम नहीं। अच्छा एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट। ये आलोक का घर है जी। अभी कहाँ रहता है, कुछ आइडिया आपको? मालूम नहीं सर, हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, बस ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब? आलोक की बहन एस्कॉर्ट थी। अच्छा, आलोक और उसकी बहन, इन दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता? उसकी माँ रहती थी, काफी बीमार रहती थी, वो काफी वक्त पहले ही गुजर गई। आलोक निकम्मा था, उसकी वजह से उसकी बहन को उसके परिवार का बोझ उठाना पड़ता था, इसीलिए वो इस धंधे में चली गई। हाँ जी गिरी जी, क्या खबर है? क्यों, परेश को मार दिया? लेकिन कैब ड्राइवर सुनील को छोड़ दिया है, और मैंने सुनील को आलोक का फोटो भी दिखाया, वही इन दोनों किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है। लेकिन हमारे यहाँ किडनैपर्स ने संजना और प्रतीक्षा को छोड़ दिया और आपके यहाँ सुनील को छोड़ दिया, तो क्या उनका मकसद सिर्फ फिरौती हासिल करना नहीं था, बल्कि परेश को मारना भी था? ऐसा ही लग रहा है। अच्छा किडनैपर्स की कोई लीड? सुनील बता रहा है जब उन्हें कैद में रखा गया था तब वो किसी डॉकयार्ड में जाने की बातें कर रहे थे। डॉकयार्ड? तो क्या ये लोग शिप से कहीं भागने की तैयारी में है? पॉसिबल है, और सुनील ने उनकी दूसरी कार का डिस्क्रिप्शन भी हमें दिया है। देखो सत्तू, हम धर्मेश को तुम्हारे पास नहीं भेज सकते। मुझे सिर्फ ये धर्मेश चाहिए, मेरे पास बिल्कुल अभी अकेले, समझे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझसे पूछ रहा है तूने क्या बिगाड़ा है मेरा? हाँ साले, तेरे चक्कर में मेरा घर तबाह हो गया, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे भाई और बहन की जिंदगी तबाह हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। अबे परेश को तो जानता है ना,
याद कर साले 12 साल पहले क्या हुआ था। देख परेश, मुंबई में फ्लैट लेने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, ब्याज पे पैसे तक लिए, और वो बिल्डिंग है कि बनने का नाम ही नहीं ले रही। अरे उस बिल्डिंग पे गवर्नमेंट ने स्टे लगाया हुआ है, एक लीगल मैटर है, कोर्ट का मैटर है, जब वो क्लियर होगा तभी तो बनेगी बिल्डिंग। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पैसे वापस कर। कौन से पैसे? हाँ, और मैं क्यों दूंगा पैसे, मैं सिर्फ एजेंट था उस डील में, और वो जो तुमने पैसे दिए थे ना वो बिल्डर धर्मेश देसाई को दिए थे, मुझे नहीं। परेश मेरे पैसे वापस चाहिए। सुनिए, जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। परेश की वजह से मैं तड़ी पार हो गया। देख इस बिल्डिंग को, वही बिल्डिंग है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से 2 कमरों का एक फ्लैट बुक किया था। क्या मिला हमें? ददर की ठोकरें। तुम दोनों ने ना मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई बहन को मुझसे छीन लिया, और मुझसे पूछ रहा है साले। सतीश भैया के जाने के बाद हम लोग अंकलेश्वर आ गए थे, खाने तक को पैसे नहीं होते थे सर हमारे पास, इसलिए मेरी बहन को काफी सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, और हमने अपनों की तरह अपनी माँ को भी खो दिया। 12 साल से हम लोग इसी बदले की आग में जल रहे थे सर। तुम दोनों को बदला लेना था परेश से, तो फिर प्रतीक्षा और संजना, इन दोनों को क्यों किडनैप किया? आप लोगों को उलझाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मुझे पता चला कि परेश फ्रीक्वेंटली ग्लोबस टूर ट्रैवल के थ्रू अपने पैकेज बुक किया करता था। मैंने धीरे धीरे टीम इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने साइबर कैफे में जॉब करना स्टार्ट की, और फिर वहां से मैंने डार्क वेब को ऑपरेट करना शुरू किया। सर तभी पल टू ट्रैवल के विशाल रहे जैसे मैंने दोस्ती बढ़ा ली, और फिर पता चला कि 18 सितंबर को परेश थाईलैंड जा रहे हैं। उस दिन मेरे पापा ने आत्महत्या की थी, उससे अच्छा दिन क्या हो सकता था अपने बदला लेने का। हम लोग सारा पैसा लूट के इंडिया छोड़ के भाग जाना चाहते थे। तुम दोनों के एक बड़ा भाई था सतीश, वो कहा? तड़ी पार होने के बाद भी भैया और मैं एक दूसरे से टच में थे। भैया हम लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो हमारे साथ निभाते, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी उनके ऊपर कई सारे इलीगल केस चल रहे थे। वो अपने माथे पे लगा कलंक अलग तरीके से धोना चाहते थे। अलग तरीके से मतलब? मुंबई, धर्मेश देसाई तो हमारा ही दुश्मन है। हेलो, ठीक है सतीश, तुम्हारे छोटे भाई आलोक और बड़ी बहन पूजा को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अपना फोन चेक करो एक बार। आलोक के फोन से इंदौर पुलिस ने तुम्हें एक क्लिपिंग भेजी है। देखो, हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम ये सब करना बंद करो, हम तुम्हें भी जाने का सेफ पैसेज दे देंगे। आलोक के बयान के बाद उन सबकी भी गिरफ्तारियां हुई जो संजना और प्रतीक्षा की किडनैपिंग में शामिल थे। दरअसल वो लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि सबके पीछे आलोक का असली मकसद क्या था। हर बदले का अंत इतना ही खौफनाक होता है। हम इसे झुठला नहीं सकते कि आलोक और सतीश के माता पिता के साथ ज्यादतियां हुई जिसका बदला लेने के लिए वो लोग निकले थे, पर यह कहावत भी 100% सही कि जब कोई किसी से बदला लेने के लिए निकलता है तो एक नहीं 2 कब्रें खोदता है, एक सामने वाले की और एक खुद की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.